बच्चों, आज हम कसीदे के बारे में अपनी गुफ्तगू करेंगे कि कसीदा किसे कहते हैं और कसीदा कहाँ से निकला है और कसीदा के माने किसी जिंदे शख्स की तारीफ करना कसीदा कहलाता है। यानी कदीम दौर में जो बादशाह थे उनके बादशाहों के दरबार में जो शायर थे वो अपने बादशाह से इनाम और इकराम हासिल करने के लिए उसकी तारीफ में जो कसीदे पढ़े जाते, बादशाह उनसे खुश होकर उनको इकराम इनाम इकराम अदा करते थे। और यहाँ पर भी इसी तरीके से हम आज कसीदे के बारे में गुफ्तगू करेंगे। कसीदा उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी की मदह यानी तारीफ की जाए, यानी कसीदा उसे कहते हैं जिसकी में किसी की तारीफ की जाए और किसी के हजू यानी बुराई की जाए। यानी कसीदे के में किसी की मदह के ज़्यादातर जो कसीदे लिखे गए हैं वो मदह से मुतालिक लिखे गए हैं, लेकिन कुछ कसीदा निगारों ने बुराई से मुतालिक भी कसीदे लिखे गए हैं, यानी हुजू में भी कसीदे लिखे हैं। क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने बुराई से मुतालिक कसीदे लिखे हैं, लेकिन ज़्यादातर जिन जितने भी शोरा पैदा हुए हैं उन्होंने अपने बादशाह से इनाम और इकराम हासिल करने के लिए उसके मदह में कसीदे लिखे हैं। बास मौकिक का ख्याल है, यानी कुछ मौकिक ये कहते हैं कि लफ्ज कसीदा जो कसीदा लफ्ज हैं वो कसीदा से कसद से निकला है, यानी जो कसीदा लफ्ज है वो कसद से निकला है। और इसका सबब यह है, यानी इसका मेन मकसद ये है कि शायर इरादा करके किसी की मदह या हुजू करता है, यानी जो शायर है वो किसी से मदह यानी इरादा जो करता है हुजू। बाज ने इसके माने मगजज गलीज के बयान किए हैं। गजल की तरह कसीदा का पहला शेर मतला कहलाता है। जिस तरीके से गजल का पहला शेर मतला कहलाता है उसी तरीके से कसीदे का पहला शेर भी मतला कहलाता है, और इसके दोनों मिसरे में काफिया व रदीफ होता है। जिस तरीके से गजल के पहले शेर में रदीफ और काफिया होता है उसी तरीके से कसीदे के पहले शेर में भी रदीफ और काफिया होता है। बाज कसीदा बगैर रदीफ के होते हैं, यानी कुछ कसीदे बगैर रदीफ के भी होते हैं, बाकी अशार के दूसरे मिसरों में काफिया वो रदीफ या सिर्फ काफिया होता है। गजल ही की तरह कसीदे में मक्ता भी होता है, यानी गजल की तरह कसीदे में मक्ता भी होता है, लेकिन कसीदे में कुछ चीज़ें गजल से मुख्तलिफ होती हैं, यानी कसीदे में कुछ चीज़ें गजल से लेकिन फिर भी कसीदे में कुछ चीज़ें गजल से अलग होती हैं। मिसलन जैसे दरमियान में कहीं मतले हो सकते हैं, यानी जो दरमियान में हैं मिसरे के जो भी मिसरा लिखा गया है उसके दरमियान में कोई भी कहीं मतले हो सकते हैं, और मतला जरूरी नहीं कि कसीदे का आखिरी शेर हो, यानी ये मतला जरूरी नहीं है कि कसीदे का आखिरी शेर हो। कसीदे की इकसाम, यानी कसीदे की किस तरीके इकसाम है, तो कसीदे की दो किस्में होती हैं, यानी कसीदे को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, खिताबिया और तमीदिया। यानी खिताब तो इनाम और इकराम हासिल करने के लिए है और तमीदिया अलग है। किताबिया कसीदा वो है जिसमें शायर तमीद बांधे बगैर मदह बयान कर देता है, यानी किताबिया कसीदा वो है जिसमें शायर तमीद बांधे बगैर ही मदह बयान कर देता है। और मतलब ये है कि अगर कसीदा मदहिया है तो शायर महदूद के खिताब करे और उसके अवसाफ को बयान करना शुरू कर दे। हजुया है तो बरा रास्त इसके मजमत करने लगे असल मदहा गलत वसीहत से है, तो बला किसी तमहीद
के इस का आगाज हो जाए। तमीदिया कशीदा वो है, यानी तमीदिया कशीदा वो कहलाता है, वो होता है जिसमें असल मदहा मदहा से पहले तमीद बांधी जाए, फिर मदहा मदा बयान किया जाए। ये तमीद तस्वीर या नसीब कहलाती हैं। और बहादुर खजा उसनों इश्क व बंदों नसीहत के मजामिन पर मुस्तमिल है, हो सकती है। इसी के रिवायत से कसीदे को बहादुर इश्काना व हजियत कहा जा सकता है। यानी इस तरीके से कसीदे के बारे में जो भी चीज़ें बताई गई हैं, और आगे ये भी बताया गया है कि अब हम जो अगली जमात है उसमें कसीदे से मुतालिक बाकी हिस्से को फिर गुफ्तगू करेंगे। ओके बच्चों, अब आइंदा जो भी है कसीदे से मुतालिक जो गुफ्तगू की जाएगी अगली जमात में होगी। थैंक यू।